इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धिभ्य नमः श्री वर्धमानाय निर्दोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज मनी श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और वही निर्विकल्प मन हमारे लिए वास्तविक सुख का साधन है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और संसार से मुक्त होना है तो अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। और जब विकल्प समीचीन होता है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कारकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए माया जैन महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम दान दें ऐसा मन में भाव बनता है और उसे याद रखने के लिए हम नोटबुक में लिखकर रखते हैं, तो मेरा विकल्प यह है कि किसी कारणवश अगर वह दान हम ना दे सके तो हमें निरंतर नरक गति का बंध हो रहा है क्या, या निर्मल का दोष लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की आगम की सूक्ष्मता और आगम की स्थूलता को दोनों को भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता। अगर सूक्ष्म आगम से या आगम की सूक्ष्मता से हम समझें तो जो दान देने की भावना या भाव भी हमने संजो के रखे हैं वे पूर्ण रूप से हमारे लिए कहीं ना कहीं दोष देने के लिए यानि पाप के लिए निर्माल्य के या नरक आदि को दिलाने के लिए सहयोगी बन सकते। ये सूक्ष्म अधिकार या सूक्ष्म प्रकार से समझना होगा। वैसे स्थूलता से या सामान्य कथन से अगर समझे तो किसी भी प्रकार से जब तक हम द्रव्य निकाल के नहीं रख रहे हैं या द्रव्य हम दे नहीं रहे हैं तब तक वह निर्माल्य स्थूल अपेक्षा से कहा जाता है। पर आगम में आचार्य भगवंतों ने सूक्ष्म अपेक्षा का भी कथन किया है। वहाँ वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माना कि आपने बोली ले का निर्णय लिया था और कुछ हद तक जहाँ तक आपकी शक्ति है वहाँ तक आपने बोली लगाई और उसके आगे दूसरे किसी व्यक्ति ने वो बोली ले ली। पर आचार्य भगवंतों का ये कहना है सूक्ष्मता को लेते हुए कि आपने वहाँ तक बोली लगाते हुए दान देने की भावना रखी थी और जब तक वह भावना रखी है भाव रखे है तब तक वह आपके लिए अगर वह दान उस समय पर हम ना दे पुनः उसका भोग करेंगे तो आपको निर्माल्य का दोष अवश्य ही लग सकता है।
उसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने दान देने के लिए मैं इतना दान दूंगी, इस स्थान को दूंगी, ऐसा जो कुछ भी अपने कापी में लिख के रखा है, वह जब तक दान नहीं दिया जा रहा है तब तक वह आपके लिए उसको प्राप्त करने का कुछ अंशों में भाव रूप पाप तो अवश्य ही लगेगा, क्योंकि वैसा तो द्रव्य ना आपने निकाल के रखा था ना उसको आपने दिया था, पर फिर भी देने के जो भाव बना के रखे थे, क्या पता जो धन या जो सामग्री का उपभोग आप वर्तमान में कर रहे हैं वही धन या वही सामग्री उस दान के रूप में जाने वाली हो। आपने जो भाव बनाए हैं उस भावों की अपेक्षा से, आगम की सूक्ष्मता की अपेक्षा से, नियम से आपको उसका दोष लगेगा ही लगेगा। पर यह भी ध्यान रखें, ये सूक्ष्मता का विषय है, स्थूल रूप से उसे आगम में भले ही आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा पर कहीं ना कहीं कर्मों का आश्रय उन रूप हमें हो रहा है। इसलिए प्रयास ये करें कि अगर लिख के रखा है, हमने भाव संजोए है, तो हमें उसको दान के स्वरूप में देना ही होगा। अगर क्वचित कदाचित किसी प्रमादवश या किसी कारणवश आप दे नहीं पा रहे हैं या दे भूल गए हैं, तो उसके लिए कभी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुँच कर प्रायश्चित आदि ग्रहण करें या आगे पीछे उसको देने का प्रयास करें, और जो देने में विलंब हुआ है आदि आदि कुछ दोष भी लगे हैं तो उस दोष के लिए आप गुरु महाराज से प्रायश्चित लेते हुए उस पापों से बचने का पुरुषार्थ करें, तो ही आपको उन दोषों से, उन पापों से बचने का कुछ पुरुषार्थ या उसका फल प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती ज्योति जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से, महाराज के चरणों में बारम्बार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, उपवास करने के लिए पहले से हमें क्या तैयारी करना चाहिए खान पान में, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपवास करते समय जितनी तैयारी आज तक की है उन सभी तैयारियों को, सभी कार्यों को विराम देना, यही सर्वश्रेष्ठ उपवास कहलाता है। चाहे खाने पीने के विषय में हो, चाहे अन्य किसी घर गृहस्थी या अन्य किसी भी व्यापार आदि के भी कार्यों के निमित्त से, जो भी आज तक पापों की तैयारी आपने की है उस पापों की तैयारियों को छोड़ देना, उसका ही नाम उपवास है। मात्र भूखे रह लेना, खाने पाने का, खान पान का त्याग कर लेना, इतना ही उपवास नहीं है। उपवास के अर्थ को हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। उपवास यानि अपने आत्मा के प्रति वास हो जाना, देवशास्त्र गुरु के प्रति अपना वास हो जाना या उनके सानिध्य सन्निधि को प्राप्त कर लेना, वास्तव में यही उपवास का अर्थ होता है। भले ही उपवास को वर्तमान में अनशन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, वह कुछ अंशों में अनशन तप, उपवास तप भले ही कहा गया है, पर उसके लिए अलग से कुछ तैयारी नहीं की जाती या करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी भी प्रकार से आप अलग से कुछ तैयारी करते हुए उपवास करना चाहते हैं, तो पहले पाप कर रहे हैं और बिना पाप को धोने का पुरुषार्थ उपवास आदि के माध्यम से कर रहे हो, तो ये किसी भी प्रकार से आगम के अनुकूल या आगम के उचित कार्य नहीं है। जब भी आपको उपवास करना है तब आप तो जब मन करे, जब अपनी अनुकूलता है उस अनुकूलता को देखते हुए उपवास करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अब पर्युषण आने वाले हैं और उसके लिए 10 दिन, 4 दिन, 1 दिन भी उपवास करना है तो पहले बहुत सारा खा लो, जैसे बहुत सारे स्थानों पे परंपराएं चलती है, रोड तीज है, धासन चौथ है, तो ये मात्र वर्तमान की कल्पनाएँ हैं और ये कोई आगम का संदर्भ इससे बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य रूप से जो प्रतिदिन भोजन किया जाता है वैसा ही भोजन करके ही उपवास करने की आवश्यकता होती है। कुछ जीवों की ये मान्यता है कि 1 दिन पहले या 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन पहले से ही बहुत सारे गरिष्ठ भोजन कर ले, जिससे आने वाले समय में वह दिन निकल जाएंगे या उपवास अच्छे से हो जाए, तो ये मिथ्या मान्यता है। ऐसा आगम में कोई भी तैयारी भोजन की, खान पान की करने की व्यवस्था नहीं कही। प्रोषोद उपवास के विषय में अगर उपवास की बात है तो वहाँ तो आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 1 दिन पहले भी एकासन करना चाहिए और दूसरे दिन, मतलब उपवास के दूसरे दिन भी एकासन पूर्वक ही, वह प्रोषोद उपवास ही कहा जाता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक ये विकल्प ना करे या विचार भी ना करे कि भोजन की, खान पान की तैयारी क्या करना, जब हमें उपवास करना ही है तो खाने पीने की तैयारी करने से क्या फ़ायदा। हम पुण्य करने जा रहे हैं और पुण्य के पहले पुनः पाप कर रहे हैं तो वह पुण्य कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए हम सहजता
क्षमता से जितनी शक्ति है अपने शरीर की उसके अनुकूल ही उपवास अनशन या कोई व्रत तपस्या करे। पर व्रत तपस्या करना है, त्याग करना है, इसलिए बहुत सारा कमा ले, बहुत सारा खा ले, ये किसी भी प्रकार से उचित बात नहीं है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इसके लिए बहुत अच्छी बात समझाते हुए कहते हैं कि अगर आपको दान देना है या किसी वस्तु का त्याग करना है, तपस्या भी करनी है, और उसके लिए आप पहले से ही कुछ सामग्री जोड़ रहे हो, धन इकट्ठा कर रहे हैं, भोजन पहले से कर रहे हो, तो बिल्कुल आप उस व्यक्ति के भांति कर रहे हो जो नहाने के लिए जा रहा है पर उसके पहले नाली में लौट रहा है। नाली में लौट कर नहाया नहीं जाता पर नहाने के लिए भी नाली में लौटा नहीं जाता। क्वचित कदाचित जो नाली का या अन्य कोई कीचड़ जो उचका है, छींटे उड़े हैं, उसको साफ करने के लिए ये कार्य होता है। ऐसे ही गृहस्थी में हुए पापों को दूर करने के लिए देव पूजा, मुनिराजों के लिए आहार दान, साथ में उपवास तपस्या आदि पापों के प्रक्षालन के लिए किया जाता है। खाने पीने की तैयारी और व्यवस्था करके अगर हम त्याग कर रहे हैं तो पहले पाप लाद रहे हैं, नाली में नहा रहे, डुबकी लगा रहे और फिर जाके स्वच्छ पानी से नहाने का प्रयास कर रहे, इसलिए ऐसा कार्य ना करें। सहजता से जितनी शक्ति है उतने शक्ति से उपवास यानी प्रभु के पास, निज आत्मा के पास सभी पापों से रहित होकर पहुंचने का प्रयास करना ही वास्तव में उपवास है। उस उपवास को समझते हुए वैसा करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शिल्पी जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, जब हम कोई व्रत लेते हैं या किसी कारण बस हम उसे पूरा नहीं कर पाते तो उसमें क्या दोष लगता है और उस दोष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्रत भंगी महाभंगी। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जीव व्रत नियम तोड़ देता है वह पूर्ण रूप से महाभंगी यानी बहुत बड़े पाप का ही भागी कहा जाता है। इसलिए व्रत नियम लेते समय ही व्यक्ति को, जीवों को ये सोचने की आवश्यकता है कि मेरा ये व्रत नियम संकल्प किस प्रकार से पल सकता है। अगर फिर भी सोचने के बाद भी क्वचित कदाचित कभी किसी कारणवश शारीरिक विषमता या और भी किसी कारणवश अगर वह व्रत पूर्ण नहीं हो पा रहा है या उसमें कोई दोष लग रहा है तो वह नियम से भले ही कारण कोई भी क्यों ना हो पर आपको व्रत तोड़ने का दोष तो अवश्य ही लगेगा। पर साथ में ये भी ध्यान रखे, अगर ऐसा क्वचित कदाचित हुआ है, माना कि कुछ 10, 15, 20, 50 उपवास वाला व्रत है या कुछ लंबे समय का व्रत है, बीच में कुछ दिन कुछ महीने उस व्रत को आप नहीं कर पाए, तो जब शारीरिक क्षमता या विषमताएँ समाप्त हो जाएगी तो आप पुनः उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पुनः उस व्रतों का पालन कर सकते हैं, पुनः नियम का पालन करते हुए पुनः पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये सोचे कि अब टूट ही गया है, अब करने से क्या प्रयोजन, ऐसा कभी भी ना करें। माना कि किसी कारण से टूट भी गया है, पुनः उसको शुरू करने का प्रयास करें, जब अनुकूलता बने तब उसको करते रहे तो जो बहुत बड़ा पाप या बहुत बड़ा दोष लगने वाला है वह थोड़ा सा अल्प हो जाएगा। उसके अलावा भी जो व्रत टूटने का, नियम टूटने का जो दोष आपको लग रहा है वह भी आप गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित आदि लेके हुए उसे ठीक कर सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं हो सकता। आपने जो दोष किया है व्रत तोड़ते हुए, या बुद्धिपूर्वक तोड़ा हो या सहजता में किसी नासमझी में प्रमाद के कारण भी क्यों ना टूटा हो, उन सब के लिए आप निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचते हुए अपने दोषों का बखान करते हुए, आलोचना करते हुए प्रायश्चित ग्रहण करें और प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास करें। इस प्रकार से जो उस व्रत के टूटने में बहुत बड़ा पाप लगा है उस पापों से आप अवश्य ही बच सकते हो, पापों से भी बच सकते हो, दोषों से भी बच सकते हो और पुनः उन व्रतों को प्रारंभ करते हुए आप पुण्य को भी प्राप्त कर सकते हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अरिहंत विहार कॉलोनी विदिशा मध्य प्रदेश से डॉक्टर सविता जैन हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। 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 मेरा प्रश्न है कि कई व्यक्ति हैं जो बड़े सरल, संतोषी, करुणामयी और मूक प्राणियों के प्रति, मानव के प्रति, हर संभव दीन दुखी के प्रति वो सहायता करने को सदा तत्पर रहते हैं, पर उनका पूजा पाठ में या व्रत उपवास में उतना उनकी रुचि नहीं रहती है, तो हम उनको किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों की व्याख्या करेंगे?
नमोस्तु महाराज। माँ, व्यक्ति की सरलता, सहजता, संतोषीपना और करुणा ये उस जीव के बहुत बड़े आदर्श गुण माने जाते, क्योंकि वर्तमान में कई बार ऐसा देखने में आता है कि घंटों घंटों पूजा करने वाले बहुत निर्दयी होते हैं, बगल में तड़पने वाले जीवों के प्रति उनके भीतर किंचित भी करुणा नहीं होती। ये जो जीव सरल हृदय है, करुणा जिनके भीतर ठूस ठूस की भरी है, वह इस संसार के सर्वोत्कृष्ट गुणों के धनी मानने की आवश्यकता है। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी भी प्रकार से वे पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि से दूर रहे। वे सरलता के, संतोष और करुणा आदि गुणों के निमित्त से बहुत सारा काम अपना और अपना पूरा जीवन सफलता से पार भी कर लेते हैं, पर उसके अलावा भी अगली पर्याय के लिए कुछ ना कुछ साथ ले जाने की आवश्यकता होती है। ये सरलता, सहजता कुछ अंशों में पुण्य तो देगी, यथासंभव सबको सहयोग करना, दया करुणा का परिचय देना, ये भी उनका श्रेष्ठतम कार्य होने पर भी जो श्रावकों के कर्तव्य कहे गए हैं, वह श्रावक को करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि श्रावक कुल में जन्म लेने से मात्र सरलता, सहजता से हर कार्य संभव नहीं होता। सरलता, सहजता जब है ही तो पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि आदि करेंगे तो वह स्वर्ण में भी, कंचन में भी, वह रत्नमय योग बनते हुए वह द्विगुने, चार गुना, दस गुना पुण्य का आश्रय करने के लिए उस जीव के लिए श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। क्योंकि श्रावक जो कहा जाता है, उस श्रावक को पूर्ण रूप से अपने छह आवश्यकों का पालन करना आवश्यक ही कहा जाता है। दया है, करुणा है, दान है, ये तो एक प्रकार का आवश्यक हो गया, पर देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, तप, ये सब कुछ जब छह प्रकार से आवश्यक श्रावकों के लिए कहे गए हैं तो यथासंभव उसको करने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि दो घंटे पूजा पाठ करने से ही बहुत पुण्य मिलता है, जरूरी नहीं है कि बहुत बहुत बड़े बड़े उपवास या बहुत बड़ी तपस्या करने से ही पुण्य मिलता है। जैसी हमारी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार एकाध पूजा कर ली, एक पूजा कर ली, महार्ग चढ़ा लिया, अभिषेक कर लिया, इतना भी कर लिया तो भी हमारा एक आवश्यक पूर्ण हो गया। जरूरी नहीं है कि पूरी विधिवत हम पूजा करें, पूरे पूजा पीठिका को लेकर पूरे पद्य पढ़ते हुए एक घंटे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कुछ मंत्रों के द्वारा ही, जैसे कई बार चौकों में आप लोग पूजा करते हो, अगर जल्दी में समय के अभाव में वैसी भी पूजा कर लेंगे तो भी दोष नहीं है। माना कि व्रत उपवास करने की बहुत बड़े कार्य करने की शक्ति नहीं है तो हम दो दो घंटे का त्याग कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक या रात में सोने से सुबह उठने तक का त्याग कर सकते। जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम तपस्या करेंगे, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप करते रहेंगे तो नियम से उन जीवों का विशेष कल्याण होने की संभावना है। जो मात्र पूजा पाठ, व्रत, तपस्या कर रहे हैं और सरलता नहीं है तो वे शायद ही बहुत बहुत लंबे समय बाद अपना कल्याण करने को परंपरा से उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। पर जो सरलता के धनी है, जो अपने आप में सुख संतोष को धारण करने वाले हैं, करुणा दूसरे जीवों पर, दया करने वाले, सहयोग करने वाले हैं, उनमें जब सरलता है ही तो और थोड़ी सी सरलता को प्राप्त करते हुए जीव अपने भी स्वयं के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ लोभ कषाय को छोड़ते हुए, क्योंकि दूसरों के हित के लिए तो हमने लोभ कषाय छोड़ दी, स्वयं का भोजन पानी भी छोड़ दिया, दूसरे के लिए सहयोग किया, पर मुझे अगली पर्याय के लिए भी कुछ साथ ले जाना है, इसका ध्यान रखते हुए, इन पुण्यों का संचय करते हुए स्वयं की जो लोभ कषाय है, जो पूजा पाठ करने के निमित्त से छूट नहीं रही है, मतलब पूजा करेंगे तो लोभ कषाय कम हो जाएगी, मात्र द्रव्य चढ़ाने की ही नहीं, अन्य भी प्रकार की जो प्रमाद की लोभ कषाय हो, प्रमाद के निमित्त से हो, या दूसरे के सहयोग को करने की, ये भी एक लोभ कषाय हो सकती है। मैं दूसरों को सहयोग करता हूँ, मुझे अपने से क्या मतलब, मैं उनका सहयोग करके काम कर लूँगा, तो ये भी कहीं ना कहीं लोभ कषाय हो सकती है, मात्र दूसरों को मदद करने की। दूसरों के सहयोग के साथ साथ कभी हमें आत्मा के उपकार के बारे में, स्वयं के हित के बारे में भी सोचना होगा, और श्रावक को अपने हित को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से छह आवश्यकों का यथासमय, यथासंभव पालन करना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य ही माना जाए।
जाता है। इसलिए श्रावक इन गुणों से युक्त है, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम कार्य है। पर थोड़ा सा और इसमें ये ऐड कर ले, पूजा पाठ अभिषेक साथ साथ में तपस्या व्रत आदि, तो वह सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए इस कार्य को करते हुए उनको विशेष फल मिल जाए, इस बात का उनको बोध करा दिया जाए और उनको उसी प्रकार से उनको फलों को विशेष पुण्य के रूप में, पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में वह पुण्य फलीभूत होगा। इस प्रकार से फल की और उन जीवों के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी, अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान सिद्धालय में अनंतानंद सिद्ध विराजमान है, लेकिन प्रभु वो किस आकार में विराजमान है? कहीं ग्रंथों में लिखा है निराकार आकार विराजमान है, कहीं पुरुषाकार बताया है। कृपया हमारी शंका का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। सिद्ध भगवान पुरुषाकार होते हुए भी निराकार होते, निराकार होते हुए भी पुरुषाकार होते। यहाँ आगम के आचार्य भगवंतों की अपेक्षा को समझने की आवश्यकता है। जो सिद्ध भगवान निराकार कहे जाते हैं, इस अपेक्षा से कहे जाते हैं कि सिद्ध बनने पर उनके पास कोई भी शरीर शेष नहीं रहता। शरीर का अभाव होने से, उनके पास शरीर जैसा कोई आकार कोई ढांचा वहाँ नहीं होने से उन्हें पूर्ण रूप से निराकार कहा जाता है। क्योंकि आकार स्पर्श रस गंध आदि जो रूप होता है ये पुद्गल के निमित्त से ही प्राप्त होता है, और जो सिद्ध भगवान है वह उन पुद्गलों से कर्म से शरीर आदि से सबसे रहित होने से, उस कर्मों की रहित अपेक्षा ग्रहण करते हुए या निरुपाधिक अपेक्षा के कथन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि सिद्ध भगवान निराकार है, वहाँ कोई भी उनका आकार नहीं है। जितनी जैसी आत्मा है ऐसी ही आत्मा वहाँ पर होती है। पर ये भी समझने की आवश्यकता है कि आत्मा है तो आत्मा का भी कोई ना कोई तो आकार स्वरूप वहाँ पर होगा ही होगा। जैसे चरम शरीर अवस्था में यानि सिद्ध बनने की पूर्व अवस्था में जब वे अरिहंत बने थे, अरिहंत बनने की पूर्व अवस्था में जब वे जीव थे, श्रावक थे, उस श्रावक अवस्था से अरिहंत अवस्था में पहुंचते समय जो शरीर का उनका आकार था, बिल्कुल उन्हीं आकार के ही वे सिद्ध भगवान बनते हैं। इसलिए वहाँ पुरुषाकार कहा, क्योंकि कभी भी मात्र जो पुरुष होता है यानी पुरुष वेदधारी जीव होता है वही द्रव्य वेद से अरिहंत और सिद्ध बनता है। इस कारण से वहाँ पुरुषाकार कहा है, क्योंकि अन्य किसी भी आकार से, त्रियंच आकार से या त्रियंच पर्याय से, स्त्री वेद से कभी भी मुक्ति नहीं होती। जब भी मुक्ति होगी पुरुषाकार से यानी पुरुष पर्याय से ही होगी। और जिस पर्याय से यानी मनुष्य पर्याय से, पुरुष पर्याय से जैसे ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वह शरीर रूपी जो ढांचा था, सांचा था, वह वही छूट जाता है। और उस समय जैसा उस आत्मा का आकार था वैसा ही आकार जाकर सिद्धालय में वह आत्मा विराजमान हो जाती। इस अपेक्षा से दोनों को साथ रखते हुए पूर्व पर्याय का जो आकार था उस अपेक्षा से उसे पुरुषाकार कहा, और वर्तमान में कोई कर्म कोई उपाधि वहाँ नहीं है, इस अपेक्षा से मात्र ज्ञान और आत्मा ही वहाँ होने से उसे निराकार भी कहा। ये दोनों ही बातों को परस्पर में सापेक्षता से समझते हुए सत्य मानना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर अशोक जैन विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि विकल्प है कि आगम के अनुसार हर एक कर्म अपना फल दिए बिना नहीं हटता है। मेरा समीचीन विकल्प है कि जैसे केवली अंजन जो हैं, जो गृहस्थावस्था में उन्होंने लाखों हजारों वर्षों तक पाप किए, लेकिन उनको अंतर्मुहूर्त में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जो उनके जो पुराने जो कर्म थे उनका वह फल कैसे, उनको मतलब अपन कैसे व्याख्या करें उन फलों को, वो फल कैसे खत्म निर्जरा हो गई। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर साहब, आगम में कर्मों की निर्जरा दो प्रकार की कही, एक सविपाक और एक अविपाक। जहाँ अंजन केवली जो अंजन चोर से बने थे, हजारों वर्ष पाप करने के बाद भी जो कर्मों की निर्जरा उसने की थी, उस जीव ने अंतर मुहूर्त में ऐसा ध्यान, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना की जिसके माध्यम से उन्होंने वह
अविपाक यानी विपाक में आने से पहले ही तपस्या पूर्वक उन कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास किया। ये सविपाक निर्जरा की अपेक्षा से परम सत्य है कि कर्म अपना फल दिए बिना नहीं जा सकता या समाप्त नहीं होगा। वहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में विपाकोनुभवा इस सूत्र को समझते हुए उस सविपाक निर्जरा को समझना होगा। पर मात्र अंजन केवल ही नहीं अपितु तो बड़े बड़े तीर्थंकर भगवान भी, भरत चक्रवर्ती भी, उन्होंने तो 6 खंडों को जीता था, पर फिर भी अंतर मुहूर्त में इतनी विशुद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। उस विशुद्धि के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से, उस तपस्या के माध्यम से उन्होंने जो विशेष रूप से अविपाक निर्जरा की थी वह कथन योग्य नहीं है। और उस अंतर मुहूर्त में वह विशेष साधना, विशेष तपस्या के माध्यम से अविपाक निर्जरा हुई और अविपाक निर्जरा के निमित्त से वे केवली बने थे अंतर मुहूर्त में, ये आगम के ही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जैसे कुछ समय समय बाद वह बूंद बूंद गिरने वाला मटके का पानी अगर बहुत पुरुषार्थ करते हुए एक पत्थर, एक लाठी मारने से ही तत्क्षण फूटता है और बिखर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अंतर मुहूर्त में उन्होंने उच्चतम साधना, उच्चतम तप, ध्यान किया और उस ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा की और वे अंतर मुहूर्त में केवली बन गए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन। दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रभ सागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिनर टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पर प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रोल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है, आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा अपने लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुँचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषि के प्रवचन शाम को 7:40 पे टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषि के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिष की चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।